ग्रेटर नोएडा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चा ट्यूशन पढ़कर वापस घर जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पानी की पाइपलाइन बुझाकर गड्ढे की सही से नहीं भरा गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जल निगम द्वारा किए जा रहे पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन गड्ढों को भरा नहीं गया, जिसके चलते हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रेटर नोएडा से एसोसिएट एडिटर ताहिर सैफी की रिपोर्ट। कल एक बच्चा साइकिल से जा रहा था, तो ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में आ गई। वो बच्चे का जो बैलेंस नहीं बना, क्योंकि ये पूरा रोड जो साइड से टूटा हुआ है। इसमें जो पाइपलाइन डली है, 2 साल होने को आ रहे हैं, पाइपलाइन से गड्ढे छोड़ रखे हैं, और वो गड्ढों में जो बच्चे जो है अक्सर गिर जाते हैं, स्लिप करके या बैलेंस नहीं बनता हो, उसकी वजह से वो टायर के नीचे आ गया, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे। यहाँ पे सीमेंट की ट्रॉली आ रही थी, सीमेंट के कट्टे आ रहे थे उसमें रखे, आधे तो उसने पीछे उतार दिए थे, आधी वो खाली थी, आधी भर रही थी, पूरी नहीं भर रही थी लोडेड। तो भीम की डेयरी की गली के सामने थोड़ी सी आगे, लगभग 10 कदम आगे, उसने बच्चे से कहा होगा, किसी ने के साइड पीछे देखा होगा ट्रॉली आ रही है, वो साइड हुआ। ये रोड तो सारी खराब हुई पड़ी है पहले से ही, इन्होंने तोड़ तोड़ के सारा इसका नाश कर रखा है रोड का। वो ढलान था, स्लोप था साइड में, उस स्लोप की वजह से उस बच्चे का डिसबैलेंस हुआ, पहिया साइकिल दूर जाके पड़ी, साइकिल से कम 10 फीट दूर, 10 कह रहा हूँ, 2 फीट दूर जाके पड़ा बच्चा, दूर ट्रॉली के नीचे बिल्कुल। इसमें गुजर गया बात है, ये जो है छोटा सा रोड है हमारा, इसमें क्या है, ठेकेदार साहब ने इसमें पाइपलाइन डालने के बाद भी इसको गड्ढा छोड़ गया। कई बार शिकायत करी हमने, हमारे एक दो साथी थे, हम उनके पास गए, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, और इस कारण से क्या हुआ, यहाँ का एक बच्चा हमारा 5 साल का था जी, साइकिल पर आ रहा था और गड्ढे पे गिरने पे उसका जो है एक्सीडेंट हो गया।